एक मेरा ख्वाब था, मेरा सपना था कि कुछ ऐसा करें, ख़ास तौर से जो हमारे बस्ती में जुड़ी हुई परेशानियां थीं, हमें मौका नहीं मिल पा रहा था उन परेशानियों को लाने के लिए। दिल में ख्वाहिश तो बहुत थी लेकिन कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कुछ मेरी ही परेशानियाँ थीं। जिस घर से हम आए हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसी परेशानियाँ थी जिसको मैं सामने नहीं ला सकता, लेकिन जो वहाँ का हालात बने हमारी बस्ती के, जो वहाँ पर गर्ल्स थीं, लड़कियाँ थीं, जो उनको ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। आज वो मौका मिला और वो मौका दिया है मुझे सारथी सलोनी ने, और आपके बीच में मैं हाजिर हुआ, उन सारी समस्याओं का निदान हुआ, तो मुझे मौका मिला तो आज सारी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले जब अपनी बस्ती को हम देखते थे तो वहाँ पर बहुत सी कमियाँ हुआ करती थीं, बहुत सी योजनाएँ बनती हैं लेकिन उसको हम अपने पास पा नहीं पाते हैं। यूँ तो बहुत सी संस्थाएं आती थीं हमारी बस्ती में, क्योंकि जिस बस्ती से हम आए मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर्दा चलन ज़्यादा होता है, लड़कियों को मौका नहीं मिलता। खुद मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ करता था, उसका मैं एक एग्जाम्पल हूँ। मेरी भी बहन बाहर नहीं जा पाती थी लेकिन कोशिश की, कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। एक ख्वाब देखा था, ख्वाब पूरा किया सारथी दशरा ने, तो इसकी शुरुआत वहाँ से मेरे घर से ही हुई। तो एक जो वहाँ पर सारथी सलोनी के लोग वहाँ पर पहुँचे और हमसे बात हुई, जो उनकी प्लानिंग हो रही थी, उस प्लानिंग में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे तो बहुत सी योजनाएँ आती हैं, ख़ास तौर से उनका एक ही फोकस होता है, परिवार नियोजन और HIV एड्स। बहुत सी ऐसी महिलाएँ हमारी बस्ती में ही कि जो सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट टेलीविज़न पर देती हैं, जो बेसिकली पॉइंट होता है गर्ल्स को लेकर के, बहुत से इश्यूज़ उठाती है, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है एडवर्टाइजमेंट को लेकर के। सीरियल तो पूरी फैमिली साथ में बैठ करके देखती है, मूवी तो पूरी फैमिली साथ में तो बैठ करके देखती है, लेकिन जब वो ऐड आ रहा होता है तो उनकी मम्मी बच्चियों को भेज दिया करती हैं कि जाइए पानी ले आइए, जाइए दाल बीन लीजिए, जाइए चूल्हा जला दीजिए, लेकिन वो ऐड नहीं दिखाया जाता। क्यों? ये सारे सवाल मुझे कुरेदते थे कि आखिर हम कैसे इशू उठाएँ और कैसे अपनी बात को पहुँचाएँ और कैसे इस बस्ती में सुधार पैदा करें। लेकिन फोकस जनरली जो संस्थाएं आती थीं तो उनका उसी पर रहता था, क्या HIV एड्स और परिवार नियोजन। ठीक, तो जब ये प्लानिंग हो रही थी तो मैंने अपने आप से इसको जुड़ा हुआ पाया, मैंने उससे बात की तो उसमें मुझे कई चीज़ें ऐसी दिखाई दीं जो बहुत ही हमसे जुड़ी हुई थीं। मुझे ऐसा लगा कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया, मेरा सपना जो अधूरा था वो पूरा होने वाला है, क्योंकि इसमें सारथी सलोनी में जो मैंने चीज़ें पाई, क्योंकि वो लेडीज़ को लेकर के थी, लड़कियों को लेकर के थी, उनकी शिक्षा को लेकर के थी, उनकी परेशानियों को लेकर के थी। मैंने जब बात की, उसकी प्लानिंग में बहुत सी ऐसी बातें निकल करके आई, जैसे चपाती चित्रण इसके अंदर होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई चपाती चित्रण, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा उसका, सलोनी केंद्र स्थापित किया गया, उसमें लड़कियाँ जाने लगीं, उनके घर वालों से मैंने बात की, वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। जब बच्चियाँ वहाँ पर पहुँची, उनमें समूह बना, दोस्ताना व्यवहार बना, जिसके काउंसिलर थे काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, तो उनमें डेवलपमेंट होने लगा, चेंजेस आने लगे, पहले से ज़्यादा एजुकेशन होने लगी लड़कियाँ। जो सरकार की योजनाएं थीं जो हमारे तक पहुँच नहीं पाती थीं, खाली सारथी सलोनी का यही काम नहीं था कि किशोरियों को तो देख रही, साथ साथ पूरी बस्तियों को भी देख रही थी, बस्ती में क्या क्या परेशानियाँ उसको भी देख रही थी। बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसी संस्था है जो हर चीज़ को ले करके चल रही है, इसका फोकस सिर्फ एक पे नहीं है। तो जब समूह बनाया गया, समूह में उस बस्तियों की परेशानियां रखी गईं कि हाँ ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, तो बहुत से सरकार की योजनाएं बनी हुई हैं, उन योजनाओं का हम लाभ नहीं उठा पाते, उन योजनाओं से सीधा रास्ता कायम किया हमारा सारथी सलोनी ने। योजनाएँ आंगनबाड़ी में पोषाहार को लेकर के, हाथ कैसे धोना चाहिए उसको लेकर के, सारी बातें हमारे बीच में आने लगी और हमारे बस्ती में सुधार होने लगा। पहली चीज़, पहले जब हम देखते थे अपनी पिछले एक साल जब यहाँ पर ये योजना नहीं आई थी तो बहुत ही उदासी होती है, बहुत ही मायूस हो जाते हैं हम, क्योंकि उस वक्त माहौल यह था कि जिन हाथों में पेंसिल और रबड़ होना चाहिए था उन हाथों में मेहंदी लगा दी जाया करती थी, और उन घरों में शहनाइयाँ बसती थी और उन छोटी छोटी बच्चियों को विदा कर दिया जाता था, जबकि 18 साल के बाद बच्ची विवाह के लायक होती, शादी के लायक होती है, लेकिन वो उससे पहले ही विदा कर दी जाती थी। उसका असर ये होता था कि उनके आने वाली ज़िंदगी में बहुत ही बुरा असर पड़ता था। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इससे बेहतर तो कोई और हो ही नहीं सकता। मैंने सीधी मुलाकात वहाँ के लोगों से कराई, उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया और काफ़ी अच्छा सुधार वहाँ पर हो गया,
लोगों में चेंजेस बदलने लगे। पहले सूरत हाल ये थी कि लड़कियों को विदा कर दिया जाता था, पर अब जब हम मुड़ करके देखते हैं तो सवेरे सवेरे लड़कियाँ स्कूल ड्रेस में दिखाई पड़ती हैं। क्या खूबसूरत लम्हा होता है, क्या खूबसूरत मंजर होता है, बस मज़ा ही आ जाता है। जो मेरा ख्वाब था वो ख्वाब पूरा हो गया, सारथी सलोनी के ज़रिए मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ। बहुत सोचते थे लेकिन वो जो चीज़ें मेरे अंदर नाचा करती थी, चला करती थी, वो मेरी सारा ख्वाब पूरा किया सारथी सलोनी ने। एक रिश्ता कायम हो गया, सरकार की योजनाओं का लाभ हमको मिलने लगा, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। कैसे पहुँचा जाए मालूम नहीं, वहाँ तक कैसे जाएँ मालूम नहीं, उसका लाभ कैसे उठाया जाए मालूम नहीं। सारथी सलोनी है, उसने रास्ता दिखाया कि जाइए आप अपने काम को ऐसे करवा सकते हैं। जो वहाँ पर टीकाकरण होता है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको टीके लगने लगे। पहले जल्दी उम्र में शादी हो जाया करती थी तो एक वहीं पर समूह मीटिंग हो रही थी, मेरा ही एक वहाँ पर था कि हम अपनी बात को रख पाते तो शायद ना सुना जाता। लेकिन जब समूह मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में वहाँ पर बस्ती की परेशानियों को रखा जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक लड़की की शादी होने जा रही थी, तो मैंने उस इशू को वहाँ पर उठाया। तो एक फैमिली की बच्ची की शादी होने जा रही थी तो सारे समूह ने उस पर रोक लगाई, तो आज उसकी शादी नहीं हुई और उसको दाखिला स्कूल में कराया गया। सलोनी के आने से कम 15 से 20 बच्चियां स्कूल और जाने लगी। ये सारी कामयाबी मिली और इजाफा हुआ, ऐसा लगा मेरा ख्वाब पूरा हो गया और ख्वाब पूरा हो ही रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने लेकर के आए। जब वहाँ से हम आ रहे थे तो सबके आंखों में ख्वाब था कि जाइए हमारी बात वहाँ पे रखिए आप, और जो सारथी सलोनी ने हम लोगों के लिए किया है हम उनके शुक्रगुजार हैं। और हम अकेले यहाँ पर तो हैं पर हम अकेले नहीं हैं, अकेले होकर के भी अकेले नहीं, क्योंकि मेरे साथ पूरी बस्ती है, मैं एक चेंज आ गया और साथ में मेरा जो ख्वाब अधूरा था वो पूरा हो गया। मैं चाहूँगा कि इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने काम किए हैं वहाँ पर चेंजिंग आए हैं, वो ऐसे ही बदलाव आता रहे और वहाँ पर और भी काम पहले से ज़्यादा होते रहें। और इसके लिए मैं पहले से ही सोचा करता था और आप लोगों ने साथ दिया तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। एक छोटी सी फैमिली के रहने वाले हम, मैं स्कूल जा नहीं सका, मैंने पढ़ाई नहीं की, थोड़ी सी पढ़ाई करके छूट गई, लेकिन जो सोचते थे आज वो ख्वाब पूरा हो गया। सलोनी ने आकर के उन बच्चियों का हाथ थामा, हम लोगों का हाथ थामा और हम लोग आगे बढ़ गए। यही चाहते हैं कि बस जिस तरह से आप लोगों ने साथ निभाया है और उसी तरीके से साथ निभाते रहें और हम लोग आगे बढ़ते रहें। बहुत जब वहाँ से हम चले थे तो सब ने ये बात कही थी कि आरिफ भाई जा करके ख़ास तौर से हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। जब एक ऐसे ही इशू को उठाने के लिए जब सलोनी सारथी हमारे बीच में आ गई थी तो मुझे एक मौका मिला, क्योंकि वहाँ पर रेडियो चैनल भी चलते हैं, तो मैंने रेडियो वहाँ पर एक ज्ञानवाणी नाम का चैनल चलता है, तो मैंने ये वहाँ पर कॉल की और इसके बारे में उस पर भी बताया, तो वो भी काफ़ी खुश हुए कि हाँ चलिए एक ऐसी योजना हमारे बीच में आई है जो लखनऊ के अंदर नहीं बल्कि और लोगों और मोहल्लों में जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा असर पड़ा, काफ़ी लोग खुश हैं। और जब वहाँ से हम आ रहे थे लोगों ने देखा कि ये क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें और आप लोग हमारा साथ देते रहें। आखिरी में मैं अपने इस बात को आपको मुबारकबाद देते हुए शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे संवारा है, संभाला है और हमारी बस्ती को संभाला है सारथी सलोनी ने, कि तन्हाई में नहीं उसे मैंने महफिल में देखा है, तन्हाई में नहीं उसे मैंने महफिल में देखा है, मैंने नहीं देखा उसे मेरे दिल ने देखा है। और भटक रहे थे राहों में मंजिल की तलाश में, भटक रहे थे राहों में मंजिल की तलाश में, आज मुस्कुराकर मुझे मेरी मंजिल ने देखा है, आज मुस्कुराकर मुझे मेरी मंजिल ने देखा है। Thank you, Arif. So we have seen filmmakers, we have seen poets, we have seen change makers. A quick translation of what he was talking about is that he said he lives in the slum, and there's a lot of organizations that come specially about family planning and HIV/AIDS. But the point is, the message doesn't get through to the girls, because every time such an ad comes on TV or every time such a conversation happens, the girls are sent away. So he felt that the first thing you need to do is educate all these girls and give them empowerment, as opposed to
just do these schemes. So when Sarthi Saloni, this program came, he felt that's what the girls need, which is a center for the girls to go get educated, etc. And he really got involved in it. He's a community leader now, and he said he didn't get educated, but he's having the opportunity to educate all these girls. He felt that their hands should be holding books and pencils. Instead, they have mehendi in their hands. They're all getting married very, very early. So because of all their intervention in their slum, now the girls are getting married much later. And then he talked about how he used to be shy. He never used to speak up. But because of this, he's had the courage to speak up on whatever he feels like. And now he writes poetry. And I'm not going to try to translate the poetry because it's just too difficult. But he's talking about, he's comparing his love, his first love, or seeing something and falling in love with, how he fell in love with this program. So that's what he talked about. So thank you very much.